जी द राइट नाउ वी आर ऑन डिक्सी डॉलर इंडेक्स ऑन द डेली टाइम फ्रेम और मैं और मेरी टीम जो है वो इसको काफ़ी अर्से से देख रहे हैं डॉलर इज हेल्ड एज रेजिस्टेंस ओवर हेयर ऑन दिस रेजिस्टेंस लाइन ठीक है हमारे पास ऊपर से भी जो है वो एक uh, एक uh, आप कह सकते हैं फॉलिंग वेज है और हमारे पास नीचे से एक असेंडिंग वेज है विच मेक्स सम वॉट अ समेट्रिकल ट्राएंगल नॉट एग्जैक्टली समेट्रिकल बट सम वॉट आप कह सकते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे है भी वैसे लोअर हाइज और हायर लोअर्स तो दैट मेक्स अ समेट्रिकल ट्राएंगल डेली टाइम फ्रेम के ऊपर सो करेंटली वी आर वेरी नियर टू दपोर्ट ऑन दी असेंडिंग वेज या हमारे पास जो असेंडिंग लाइन है ट्रेंड लाइन उसके बहुत पास हैं वी माइट गेट अ बाउंस फ्रॉम ओवर हेयर अगर ये लेवल आप पूछना तो कौन सा लेवल है तो लेट मी शो यू दिस इज़ गोइंग टू बी वन ज़ीरो फोर पॉइंट सिक्स फाइव वन लेवल वॉच इट लाइक अ हॉक इसके अलावा अगर हम अवली टाइम फ्रेम पे चले जाएँ तो अवली टाइम फ्रेम पर भी हमारे पास ये ट्रेंड लाइन आ रही थी ठीक है जो हमारे पास अभी रिसेंट रिजेक्शन हुई है फ्रॉम दैट वहाँ से हमारे पास अभी एक छोटा सा ब्रेकआउट हुआ है बट इट्स नॉट येट कन्फर्मड अगर अगले दो तीन घंटों में ये ऊपर ही क्लोज करता रहता है या आज का दिन ऊपर ही क्लोज़ करता है तो इट माइट कन्फर्म इट सेल्फ और उसके बाद देखना होगा कि मार्केट यहाँ से बाउंस ले पाती है या नहीं ले पाती और आइधर हम डेली टाइम फ्रेम पे वापस नीचे पहले 104.65 को पहले रीटेस्ट करते हैं सो वॉश इट लाइक अ हॉक इसकी वजह यह है कि एज यू नो कि डॉलर भी जो है वह ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है uh, तो चांसेज आर के डॉलर माई इट गेट अ डम्प uh, लेकिन डम्प जो है वह तब तक कन्फर्म नहीं होगा एज लॉन्ग एज वी आर अब दिस असेंडिंग लाइन